हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। हाय सुमित। हाय एनवी। गुड आफ्टरनून सुमित। गुड आफ्टरनून जीवन। हेलो कोमल। कैसे बच्चों आप सब लोग? गुड आफ्टरनून तनिषा। हाय अश्विनी। सो कैसे हो आप सब लोग? वालेकुम सलाम ज़ेबा। हेलो अभिषेक। फाइन सर। गुड गुड गुड। अच्छी बात है बच्चों। कैसे पढ़ाई चल रही है? पढ़ भी रहे हैं कि नहीं घर पे? हाय गोकू। गुड आफ्टरनून हेमा। वालेकुम सलाम रोशनी। सो यस गुड। देखिए ऐसे ही हमें पढ़ते रहना है और क्वारंटाइन के मज़े लेते रहना है। कैसे लेंगे? पढ़ेंगे आप क्या कहाँ पे? इंस्टा सॉल्व ऐप पे पढ़ते रहिए एंड घर पे आराम से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इंस्टा सॉल्व ऐप के थ्रू। ठीक है। वी हैव बेस्ट फैकल्टीज ओवर हेयर। वी लाइक बायोलॉजी। थैंक यू एनवी। गुड आफ्टरनून दामिनी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून आर्ची। गुड आफ्टरनून अमित। हाय सनी। सब ये बताइए कितने लोग नए हैं यहाँ पे और कितने लोग पुराने थे? पुराने बच्चे अपने हाथ ऊपर करिए। कितने बच्चे पुराने थे ये बताइए? कल कितने बच्चे आए थे मेरी क्लास में? सुमन श्री मैं न्यू हूँ। ओके सुमन। चल लेट्स स्टार्ट। यस सो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पुराने ही थे, कुछ बच्चे हमारे नए भी आए थे। हाय जैसिका। ठीक है। जो बच्चे नए हैं पुराने बच्चों को तो पता होगा आज मुझे बायोटेक्नोलॉजी शुरू करना है। ठीक है। पुराने बच्चों को तो पता होगा कि आज हमें बायोटेक्नोलॉजी शुरू करना है। जो बच्चे नए हैं वो सुन लीजिए, आज हम बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने वाले, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो बेसिकली ये क्लास 12th का चैप्टर है। अब जितने भी बच्चे नए हैं, हाय हीत, हेलो सचिन, जितने भी बच्चे नए हैं हम यहाँ पे पढ़ा कैसे रहे हैं? हम क्या करा रहे हैं? एक नीट का छोटा सा क्रैश कोर्स कर रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको क्वेश्चंस के जरिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चंस मैं दूंगा, उसका सिर्फ फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा और उससे जितने भी रिलेटेड चीजें हैं वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है बच्चों। वैसे वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन होगा। अब जो बच्चे नए हैं उनको मेरा नाम दिख नहीं रहा होगा, तो मेरा नाम है सलमान अनवर खान। मैं यहाँ पे बायोलॉजी एक्सपर्ट नीट फैकल्टी हूँ जो कि आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है बच्चों। ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना मैथ्स, क्योंकि बहुत वीक है मेरी वो सब। तो ठीक है, तो शुरू कर सकते हैं। सो नए बच्चों के लिए ये है, पुराने बच्चों को सब पता होगा। नए बच्चों के लिए क्या करना है उनको? हमारी जो भी पीपीटीज हैं, हमारे क्वेश्चन है, देखिए कल मैंने एक माइंड मैप भी डाला था उसमें। ठीक है। कल मैंने एक माइंड मैप भी डाला था रेस्पिरेशन के ऊपर। ठीक है। तो इस तरीके से नई नई चीजें डलती रहती हैं। सर केमिस्ट्री सर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस डालते हैं, उनके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, वो भी इमेजेस डालते रहते हैं। ठीक है। तो आपको ये सब कहाँ मिलेगा? आपके लिए आपको क्या करना है? आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है इंस्टा जेई, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। टेलीग्राम ऐप पे जाइए और इंस्टा जेई सर्च करिए। और जितने भी नए बच्चे हैं उनको क्या करना है? इंस्टा सॉल्व के यूट्यूब पेज को लाइक सब्सक्राइब करना है। वहां पे हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। साथ में मेरी जितनी भी वीडियो है, 20th वीडियो है, ये कौन सी वीडियो है मेरी? 20वीं वीडियो है। ये सारी की सारी वीडियो कहां मिलेगी? आस्क आईटीएन की वेबसाइट पे। ठीक है। थैंक यू राजेंद्र। थैंक यू राजेंद्र। ठीक है बच्चों, क्लियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका टाइम टेबल। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, 2 दिन लगातार बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर एंड क्लोनिंग साइट्स। ठीक है। ये है आज के हमारे टॉपिक्स। क्लियर बच्चों? हाय सर माय नेम दीपक। ओ हाय दीपक, लेट इट बी दीपक। रहने दीजिए रहने दीजिए। इग्नोर राजेंद्र, हेमा सुमा, जस्ट इग्नोर राजेंद्र।
लीव इट रोहित, लीव इट, वी विल ब्लॉक हिम लेटर ऑफ द फ्रॉम फ्रॉम दिस क्लास, देर आर सम पीपल हु डू दिस। ठीक है बच्चों, हाय सोनू, क्लियर? सर मैं प्रीतम, अभी ही ट्वेल्थ का एग्जाम दिया, तो प्रीतम आप सही क्लास में सही टाइम पे हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने, जैसे प्रीतम और दीपक जो आप बोल रहे हैं हम नए हैं, तो उनको क्या करना है, उनको आज का आईटीन पे जाके हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां जाइए और वहां से पढ़ना शुरू करिए। और डेली यहां से 2 से 3 बायोलॉजी, फिर 5:30 to 6:30 इज केमिस्ट्री, देन वी हैव फिजिक्स एंड देन वी हैव मैथ्स। तो रोज हमारी पढ़ाई चल रही है, क्वारंटाइन की वजह से हमारी पढ़ाई रुकी नहीं है, कोरोना हमारी पढ़ाई को रोक नहीं सकता, ठीक है, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए बताइए इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखिए इतना इजी क्वेश्चन नीट 2016 के पेपर में पूछा गया था। A foreign DNA and a plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using. Happy Good Friday. Yes, today is a holiday, but then also see, हम आपके लिए आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत बच्चों का यहाँ पे A answer भी आ रहा है, ये कैसे हो रहा है भैया? A answer भी आ रहा है, ये नहीं है, A answer नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे बच्चों। ए आंसर नहीं हो सकता इसका, आंसर इसका होगा डी। यस, आंसर होगा डी। व्हाट इज इको आर्बन, ये बताइए तो फिर। हाय लॉस्ट माइंड, यू आर लेट फॉर द क्लास। व्हाट इज इको आर्बन? इको आर्बन है क्या ये बताइए, फटाफट से टाइप करके बताइए इको आर्बन है क्या। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, वेरी गुड बच्चों, यस। तो आंसर कैसे होगा इको आर्बन? नहीं होगा इको आर्बन, राइट? सो आंसर क्या है? लाइगेज। देखो लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बुलाते हैं, लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बुलाते हैं। अगर डीएनए को जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज, अगर आरएनए को जोड़ना है तो इसका आंसर होगा आरएनए लाइगेज। तो लाइगेज को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। बहुत लोगों का आंसर गलत था, अब लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। मॉलिक्यूलर ग्लू किसे बुलाते हैं? लाइगेज को। इट कैन बी व्हाट? इट कैन बी व्हाट? अगर डीएनए को जोड़ेगा तो डीएनए लाइगेज, आरएनए को जोड़ेगा तो आरएनए लाइगेज। वेरी गुड जेसिका, वेरी गुड गोकू। गोकू ने डायरेक्ट लाइगेज का एग्जाम्पल लिखा है, T4 लाइगेज, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून अनन्या, यू आर लेट फॉर द क्लास। So, चलिए अब हम क्लैपिंग कर लेते हैं। क्लैपिंग किसके लिए करेंगे? हम क्लैपिंग करेंगे जेसिका और गोकू के लिए। फटाफट से सब लोग क्लैपिंग करिए उनके लिए, जेसिका एंड गोकू के लिए सब लोग क्लैपिंग करिए। जेसिका ने इको आर वन का फुल फॉर्म बताया एंड गोकू ने लाइगेज का एग्जाम्पल बताया। फटाफट से क्लैपिंग करिए सब बच्चे उनको। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। सर व्हाट इज रेनबो? क्या विकास भाऊ, कसा का है? ठीक है बच्चों, तो आंसर है इसका बच्चे लाइगेज। तो लाइगेज पढ़ लेते हैं क्या होता है। लाइगेज, लाइगेज इज अ क्लास ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यूजिंग द एनर्जी रिलीज बाय द क्लीवेज ऑफ एटीपी। मतलब एटीपी यूज होगा और वो क्लीवेज करेगा, लाइगेजेस मतलब ज्वाइनिंग करेगा। लाइगेजेस आर इंपॉर्टेंट द सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ मेनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग डीएनए लाइगेज, यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बच्चों, यस लिख के भेजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यस यस यस, चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड। देखो दो टाइप के एंड्स होते हैं, एक ब्लंट एंड होता है और एक स्टिकी एंड्स होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एंजाइम ब्लंट एंड बनाएगा? और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना और समझना। समीहा का आंसर है ए,
निशिकित का आंसर है डी, जेबा का आंसर है बी। वेरी गुड जेबा, यस सबसे पहला सही जवाब जेबा का ही आया है। गेमिंग जोन सी, बी इज करेक्ट सर, बी बी बी। गुड आफ्टरनून सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। कुछ नहीं बच्चे, अच्छी बात है। इंस्टासॉल यूजर आज द क्वेश्चन, आई विल टेल यू द आंसर 165045। इंस्टासॉल यूजर आज द क्वेश्चन, आई विल टेल यू द आंसर। तो यहां पे सबका आंसर, कुछ का आंसर ए सी डी भी है, कुछ का आंसर बी भी है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या है, बी है। तो हम ऑडियंस पोल को कंसिडर करते हुए हम आंसर मान लेते हैं क्या है हमारा, इको आर वन। यस आंसर है हमारा इको आर वन फाइव। तो बेसिकली जो इको आर फाइव है उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये टेबल पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, ये टेबल मैंने खुद सुबह लिखी है आप लोगों के लिए। ये सुबह खुद हमने टेबल लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अब जब आपको पीपीटी मिलेगी, आपको क्या करना है, ये सब कुछ एक पेपर में लिख के अपने दरवाजे पे चिपका दीजिए, पेपर पे लिख के अपने दरवाजे पे चिपका दीजिएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे ये आपको याद करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर इट एट ऑल द कॉस्ट। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। इको आर्बन क्या है, इसका सोर्स क्या है, इकोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं करना इसको याद करने में। ठीक है, तो एक एक करके सुनते हैं। देखो ये है इको आर्बन, जो कि सोर्स क्या है, शाचिया कोलाई। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये आपको बाय हार्ट याद करना है इसको। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, 5' एंड पे क्या है, GAATTC। 3' एंड पे क्या है, CTTAG। ठीक है, अब इसमें कट लग रहा है, एक कट कहां पे लग रहा है, एक कट यहां लग रहा है, एक कट जी के एंड में लग रहा है। मतलब एक कट यहां के जी के एंड पे, एक कट यहां के जी के एंड पे। ठीक है, एक कट इस जी के एंड पे, एक कट इस जी के एंड पे। तो ये कैसा बना रहा है, एक स्टेप लाइक। देखो यहां पे इतना फ्लैंक एरिया हो गया, इतना फ्लैंक एरिया यहां पे, एक इतना फ्लैंक एरिया यहां पे। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, स्टिकी एंड्स। यस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यस इसको हम बुलाते हैं स्टिकी एंड्स। क्लियर, तो बैम एच वन क्या है, बैसिलस एमाइलोक्यूरस क्यूफेशियंस। ठीक है, ये भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट, हिन थ्री जो था सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, हिन थ्री वॉज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड। ये कहां से आया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आया है। ठीक है, इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है AAGCTT, AAGCTT। क्लियर, AAGCTT, और इसका है TTCGAA। ये भी कैसा प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, ये भी क्या है प्रोड्यूस कर रहा, स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर। नेक्स्ट SMA, यस हिंद वन हिंद टू, यस वेरी गुड सर, हिंद टू, यस वेरी गुड। बच्चों मैं ये देख रहा था कितने लोग सुन रहे हैं, वेरी गुड गोकू। ठीक है ना, SMA1 कहां से है, सिराटिया से SMA1 आया है। अब ये देखिए, ये कट कहां से कर रहा है, मिडिल से कट कर रहा है। मतलब ये जो कटिंग हो रही है इसके, इस सेक्शन से हो रही है, यहां से ये पार्ट इसका कट हो रहा है, मिडिल से पार्ट कट हो रहा है। देख रहे हैं, मिडिल से पार्ट कट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कोई लैडर लाइक चीज नहीं बनी है, कोई लैडर लाइक चीज नहीं पड़ी है, डायरेक्ट हमने बीच से दो हिस्सों में काट के अलग कर दिया। तो उसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों, इसको हम क्या बुलाएंगे, ब्लंट एंड। यस, थोड़ा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हुआ, यस आई नो सर, ये नीट के लिए है, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नेक्स्ट ALU, एंथ्रोबैक्टर ल्यूटस, ALU इज एंथ्रोबैक्टर ल्यूटस। नाउ ये भी कैसा कट कर रहा है, ब्लंट एंड कर रहा है। मतलब AGCT के बीच में एक कट लगा और TCGA के बीच में कट, तो ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर, क्लियर हो गया। तो ये कितने हैं, वंदु येरडू मूरू नालकु ऐदु, टोटल फाइव हो गई ये। नेक्स्ट क्या है, इको आर फाइव। ठीक है, अब ये किससे, शाचिया कोलाई से है, ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लंट एंड। देखो डिफरेंस, देखो यहां पे हो रहा है ब्लंट एंड, यहां पे हो रहा है स्टिकी एंड। मतलब इको आर वन
जो है प्रोड्यूस कर रहा है क्या, स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है। इको आर्विन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टिकी एंड। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लंट एंड। क्लियर बच्चों, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इको R5 ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है। सेम गोज विथ SAL1, ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा। HIND2 जो कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट XHO ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, स्टिकी एंड्स। तो ये सब कुछ, HIND2 इज द फर्स्ट, HIND2 इज द फर्स्ट, यस आई सेड राइट नाउ HIND2 इज द फर्स्ट, HIND3 नहीं है, HIND2 है फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो आपको टोटल 5, 6, 7, 8, 9 9 आप करेंगे, 9 आप लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, और कहां करेंगे, अपने वॉल पे चिपका के रखेंगे जब तक आपका मेडिकल क्लियर नहीं हो जाता है। ये सब कुछ अपनी वॉल पे चिपका के रखेंगे, सो दैट आपको हमेशा, ये कुछ है मैं बता रहा हूं, ये कुछ है बस, और भी होते हैं। यस समिया आस्क द क्वेश्चन, यस जीवन आस्क द क्वेश्चन, बेटा सर वॉज इन SAL1 इन द ऑप्शन 2, लेट मी चेक। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड, यस वेरी गुड। कौन था ये, वेरी गुड, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, लेट मी सी समीहा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां पे एक चीज आई है, SAL1 क्या स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा या क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लंट एंड। बताइए बच्चों सब लोग, SAL1 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टिकी और ब्लंट। जल्दी बताइए, मैसेज करिए बच्चों, ब्लंट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में दो ऑप्शंस हो गए, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट होंगे। तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यहां पे, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो दोनों ही ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी तरीके से फोकस रखिए, जिस तरीके से समीहा ने फोकस रखा उसी तरीके से सब लोग फोकस रखिए। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन्होंने, सिर्फ इसका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, आंसर। जीवन आप फिर से क्वेश्चन पूछे, सॉरी इतने सारे बच्चे थे तो आपका क्वेश्चन मिस हो गया। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, आंसर बताइए सब लोग बच्चों। कुछ लोगों का बी आंसर है, कुछ लोगों का डी आंसर है। जेसिका आपका आंसर क्या है ये बताइए, जेसिका व्हाट्स योर आंसर, टेल मी। जेसिका सर कैन यू चेक वन मोर टाइम अबाउट SAL1, ओके आई विल चेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको SAL1 का बताते हैं। अब पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, तब हम SAL1 के बारे में भी जाएंगे।
जितना मुझे याद आ रहा है सेल्वन ब्लंट एंड नहीं प्रोड्यूस करता है, जो स्टिकी करता है। ठीक है, मैं एक बार उसका सीक्वेंस देखूंगा। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज। ठीक है, बताइए इसका आंसर है डी। बच्चों इसका आंसर क्या है? डी। सम जीन्स कॉल सिलेक्टिव मार्कर्स हेल्प्स इन सिलेक्टिंग दोज हो सेल विच कंटेन्स द वेक्टर एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यस, इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर क्या है? डी। अब आपने मुझसे पूछा था सेल्वन के बारे में। बच्चे देखो, सेल्वन का यहां पे सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, सेल्वन के सीक्वेंस में टेबल में कुछ गड़बड़ हुई है, टाइपिंग मिस्टेक आई है सेल्वन के सीक्वेंस में। सेल्वन क्या करता है? जी के फॉर्म में कट करता है। ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है बच्चे, जीटीसी के फॉर्म में कट करता है। यस, वेरी गुड। यस, मैं इसका स्टिकी इसका बारे में मैं थोड़ा सा उसमें भी डालूंगा, टेलीग्राम पे भी डालूंगा। ठीक है बच्चों, चलो लगे हाथ एक और क्वेश्चन पूछता हूं। सब लोग सुनिए, लगे हाथ में एक और क्वेश्चन पूछता हूं सबसे। सब जवाब देंगे उसके बारे में? सब जवाब देंगे? यस यस, लिखिए फटाफट से। आप मुझे बताइए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के क्लासेस बताइए। आप मुझे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के थ्री क्लासेस बताइए। कौन से तीन क्लासेस हैं? टेल मी थ्री क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। टाइप 1, 2, 3। यस, अब ये बताइए मुझे इन टाइप्स में से कितने हेट्रोजिनस हैं? यस, वेरी गुड गोकू। हाउ मेनी ऑफ देम आर हिट्रोजिनस? विच वन ऑफ देम इज हिट्रोजिनस एंड विच वन ऑफ देम इज होमोजिनस? मतलब ब्लंट एंड कौन से प्रोड्यूस करेंगे? बताइए मुझे कौन कौन से हिट्रोजिनस है, कौन कौन से होमोजिनस है। हाय हाय, अभी कौन सी क्लास का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होमोजिनस है एंड कौन सी क्लास का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिट्रोजिनस है, ये बताइए मुझे। जल्दी बच्चों आंसर लिख के दीजिए मुझे। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज किस क्लास का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होमोजिनस है, किस क्लास का हिट्रोजिनस है? हमने अभी जस्ट बताया टोटल तीन क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस की तीन क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, अब ये बताइए कि कौन कौन से में कौन कौन सा होमोजेनस कट करेगा, कौन कौन सा हिट्रोजेनस कट करेगा। सर क्लास इंग्लिश में ही बोलते हो क्या बेटा? और क्या हिंदी यूज करूं? ये कौन सी भाषा यूज कर रहा हूं अभी? ये इंग्लिश यूज कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यस यस, वेरी गुड बच्चों। रिस्ट्रिक्शन 1 एंड 3 आर हेट्रोजिनस एंड रिस्ट्रिक्शन 2 इज होमोजिनस। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, लिख लीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता है, हाँ जिसका पूछिए, जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख लीजिए एक चीज। एवरीवन जस्ट राइट डाउन वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए। वालेकुम असलाम रेहान, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए ये चीज। देर आर थ्री क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, देर आर थ्री क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, पहला लिखिए, पहला लिखिए आप सब लोग। क्लास 1 लिखिए, रिक्वायर्स मैग्नीशियम एटीपी, रिक्वायर्स मैग्नीशियम कॉमा एटीपी कॉमा एस एडेनोसाइल मिथियोनिन। क्लास 1 रिक्वायर्स मैग्नीशियम एटीपी। या ऐसा करते हैं बच्चों, आज ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड
पोस्ट करता हूँ आज की इमेज, ठीक है, मेरी हैंड रिटन इमेज मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। यस, टाइप टू इज होमोजेनस बेटा, टाइप टू जीवन होमोजेनस होता है, हेट्रोजेनस नहीं होता है। टाइप थ्री एंड मतलब क्लास वन एंड क्लास थ्री होगा, क्लियर, क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट इमेज पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जैसे कहा मैंने कल पोस्ट किया है, कल आप चेक कर सकते हैं, कल मैंने एक माइंड मैप पोस्ट किया था रेस्पिरेशन के ऊपर। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, बताइए फटाफट से मुझे, कौन सा वेक्टर सिर्फ स्मॉल क्लोन का डीएनए को कर सकता है? सबका आंसर आया है सी, प्लाज्मिड। आई आस्क्ड क्वेश्चन सर, व्हाट इज द क्वेश्चन, जस्ट टेल मी जेसिका, फटाफट से बताइए, सी इज करेक्ट, सब लोग बोल रहे हैं सी इज करेक्ट, क्लियर, तो फिर हम सी के बारे में ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यस, सी है एक सही हमारा आंसर, क्या है हमारा सी, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट किससे कैरी होता है हमारा, किससे कैरी होता है बच्चों, हमारा होता है प्लाज्मिड से, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ, प्लाज्मिड वॉज डिस्कवर्ड बाय, वेरी गुड वेरी गुड जेबा, वेरी गुड जेबा, प्लाज्मिड वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्लाज्मिड वॉज डिस्कवर्ड बाय, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आई विल टेल यू द क्वेश्चन ऑल्सो देयर, सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, जेसिका आंसर दीजिए, जेसिका आंसर दीजिए, समिया ने आंसर दिया लीडरबर्ग, यस लीडरबर्ग होगा, और एक और साइंटिस्ट है इनके साथ, लीडरबर्ग के साथ एक और साइंटिस्ट है, कौन है वो, विलियम एंड जोशुआ लीडरबर्ग, यस ठीक है, गुड बच्चों गुड बच्चों गुड वेरी गुड, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब ये बताइए मुझे, बैक का बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का कितना फॉरेन डीएनए कैरी कर सकता है, ये बताइए मुझे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कैन कैरी हाउ मच फॉरेन डीएनए, ये जो बैक है इसको हम बैक बुलाते हैं इन शॉर्ट बी ए सी, इट कैरी हाउ मच आर्टिफिशियल फॉरेन डीएनए, कितना करता है बैक, कितना करता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कैन कैरी फॉरेन डीएनए अप टू, सी फॉर चाइनीज कोरोना, इट कैन कैरी अप टू, यस वेरी गुड, थोड़ा जो हिंदी वाले आते हैं उनसे पूछना, वो हिंदी में पढ़ने के लिए आपको पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, आपको हिंदी वाले नहीं देखते बेटा। देखो मैं रोज हर क्लास में, अभी मैं आपके मैसेजेस काफी देर से पढ़ रहा हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे पास रोज आते हैं बच्चे, तो मैं रोज एक ही स्टेटमेंट कहता हूँ सबको, आगे चल के आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम में नहीं होनी बेटा, आगे चल के आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है, तो आप उसके लिए क्या करिए, आप एक डायरी बना लीजिए, ठीक है, उस डायरी में रोज एक घंटा आप वर्ड्स लिखिए, हिंदी के वर्ड जो कि आप इंग्लिश में याद करना है, डेली ये प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश आ जाएगी, क्योंकि देखो बच्चे आगे चल के आपको पढ़ना तो इंग्लिश में ही होगा ना बच्चे, ठीक है। सो जिन बच्चों ने आंसर दिया है, बैक का क्या होता है 200 to 300, यस बैक का है 200 to 300, वेरी गुड बच्चों 200 to 300। अब इसी लगे हाथ यैक का भी बता दीजिए, लगे हाथ यैक का भी बताइए, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जैसे का आई नीड द आंसर, वेरी गुड समिया वेरी गुड, 1000 MB, यस
वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? प्लाज्मिड है इसका आंसर। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू यू जेसिका? बैक कितना सर? बैक इज 200 to 300, बैक इज 200 to 300। मेरे ख्याल से एक वर्ड जो छुप रहा है एंड में वो बैक्टीरिया है। ठीक है बच्चों, आई टोल्ड यू अभिषेक, आई कैन नॉट राइट इन हिंदी, मैं हिंदी में नहीं लिख सकता। ठीक है, वेरी गुड दिलीप, बताइए इसका आंसर आप सब लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। जेसिका आई नीड योर आंसर। जेसिका आई नीड द योर आंसर। बच्चों आंसर दो फटाफट से। पायल का आंसर बी, साक्षी का आंसर ए, गोकू का सी, सुमन का बी, रोहित आंसर दो बेटा। अभिषेक विल यू कंट्रोल? बस करिए अभिषेक, अदरवाइज ब्लॉक हो जाओगे आप। बी इज करेक्ट सर, जेसिका का आंसर आया है बी। काफी देर बाद जेसिका ने आंसर दिया है, इतना टाइम क्यों लगा आपको जेसिका? रोहित का आंसर है ए, गोकू का आंसर बार बार रिपीटेडली में आ रहा है सी। द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। बताओ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सारा बायोटेक इसी क्वेश्चन पे है, इसको समझ लिया तो आधे से ज्यादा बायोटेक आप समझ जाओगे। बहुत बच्चों ने बी आंसर किया, इंक्लूडिंग जेसिका, रोशनी, रोहित का आंसर शायद क्या था, हीत का आंसर है सी, अभी मिश्रा सल्किंग कर रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं, रोहित का आंसर है ए। ठीक है, मधु शुक्ला फिर से लिखिए, रोहित का आंसर है ए। सर मैं भी हूं मधु, जस्ट राइट योर आंसर अगेन बेटा। कोमल अब मैं कितना बात करूं आपसे। मधु का आंसर क्यों नहीं आ रहा? सुमन का ही आंसर बैक टू बैक आ रहा है मेरे पास बेटा, अभी मैं बताऊंगा आंसर इसका। मधु का आंसर है बी, बहुत बच्चों ने यहां पे आंसर दिया है बी, बहुत बच्चों ने यहां पे आंसर दिया है बी, बट आंसर क्या है बच्चे? सी। बहुत बच्चों ने बी दिया है आंसर, लेकिन आंसर क्या है? सी है इसका आंसर। आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है सी। बहुत बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए थे, लोग बोल रहे हैं सर कंफ्यूज हैं। यस गोकू यू आर राइट, यस सर हमारा राइट है, वेरी गुड। सुमन आप लोग सब लोग गलत हो, सुनो आप सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए आपको, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, समझिए विदाउट टाइपिंग एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड। यस आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लिसन केयरफुली। अब इसमें पूछा गया था, कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बिकॉज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, नहीं अल्फा गैलेक्टोसाइडेज का नहीं होता इसमें काम। इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नो, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यस। इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा, अल्फा तो होता ही नहीं है। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बुलाते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। इस कॉन्सेप्ट को क्या बुलाते हैं बच्चों? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। क्या बुलाएंगे बच्चों? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक लैग जेड जीन है,
एक कौन सा जीन है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनको कंफ्यूजन था ध्यान से सुनिए, विदाउट टॉकिंग चैटिंग, सिर्फ फुल स्क्रीन करके सुनिए अभी। हाँ, जो जीन है, एक जीन है हमारे पास लैग जेड जीन, जो कि इनकोड करता है बीटो गैलेक्टोसाइडेज, ये याद रखिएगा। एक लैग जीन है जो कि क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या कन्वर्ट करेगा, वो कन्वर्ट करेगा एक्स गैल को, जो कि कलरलेस होता है, एक्स गैल को कलरलेस होता है, उसको ब्लू कंपाउंड कर देगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, समझो, बहुत ध्यान से समझो। एक लैग जेड जीन है, जो लोग क्लास ट्वेल्थ में जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है, जैसे कि हमारा लैक ओपरॉन में कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है, समझो बहुत ध्यान से प्यार से समझो। एक लैग जेड जीन है, ठीक है, वो कोड कर रहा है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, ठीक है। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स, एक एक्स गैल है, एक प्रोडक्ट है क्या, एक्स गैल, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ब्लू कलर में। बस सिंपल सा फंडा है ये, ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है। यहां पे लैग जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसको कन्वर्ट कर देगा, एक्स गैल को, ब्लू कलर के कंपाउंड, ठीक है। अब हम क्या करें, किसी तरीके से लैग जेड जीन को हम कन्वर्ट कर दें, अब हम क्या करें किसी भी तरीके से। सर ये सीबीएसई का कोर्स है ना, ये सीबीएसई में है, तो अगर हम देखो ये क्या था, नॉर्मल पे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोट कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है, एक्स गैल को कलरलेस कर रहा है, एक्स गैल को क्या कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है, ठीक है, एक्स गैल को क्या कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है। अब यहां पे हम कोई फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दें, अगर हम यहां पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करें तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो इंसर्शन ले लें और एक जो इंसर्शन ना ले। जो इंसर्शन ले लेंगे क्या वो ब्लू कलर शो करेंगे, अगर हम लैग जेड जीन को ही चेंज कर दे रहे हैं क्या वो ब्लू कलर शो करेंगे, ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए, यस और नो बताइए। अगर मैं इसमें कुछ इंसर्ट कर दे रहा हूं, यस, वो कोई कलर नहीं देगा। अगर वो नॉर्मल है, अगर उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है तो वो कलर देगा, यस वो कलर देगा। तो इसमें हम यही कर रहे हैं, इसी को हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, लेट सपोज यहां पे एक मीडिया है, इसमें हमने बहुत सारा हमने एंजाइम्स रखा, हमने बहुत सारे लोगों को हमने ग्रो किया, इन सारी कॉलोनीज में हमने क्या इंसर्ट किया, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि क्या होता है ये हिट एंड ट्रायल है, हमने इंसर्ट करने की कोशिश की और कुछ पे पाया हमने क्या, ब्लू कलर। तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, यहां पे कुछ पे पाया हमने ब्लू कलर की रिंग, तो जिस पे ब्लू कलर की रिंग होगी वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, सॉरी वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, मतलब उसमें क्या हुआ, डीएनए इंसर्ट ही नहीं हुआ, वो मॉडिफाई ही नहीं हुआ, समझ में आया। अगर ब्लू कलर है तो वो मॉडिफाई नहीं हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये सीबीएसई क्या है, सीएचएसई क्या है बेटा, अभी इस पर ध्यान दो आशुतोष, डोंट डिस्ट्रैक्ट द क्लास बेटा, नो सर, व्हाट नो मधु, व्हाट नो टेल मी, अच्छा वो इंसर्शन कलर के बारे में, ओके ओके ओके, आई गॉट इट आई गॉट इट, ठीक है, मैंने चैट नहीं पढ़ी थी, अब आपकी चैट देख रहा हूं, समझ में आया अब आप लोगों को। जिसके अंदर फॉरेन डीएनए गया, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए गया वो कलर नहीं शो करेगा, वो क्या हो गया, हमारा मॉडिफाई हो गया, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं गया वो कलर शो करेगा, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, समझ में आया, वेरी गुड। तो अब यहां पे साफ साफ लिखा है ब्लू कलर की कॉलोनी, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम सब लोग, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यस, समझ में आया आपको, यस, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था, यस लिख के भेजिए बच्चों, सब लोग फटाफट से यस लिखिए, सब लोग फटाफट से यस लिखिए। मैंने क्या बोला था, यही है पूरा बायोटेक, यही है पूरा बायोटेक बच्चों,
केमिस्ट्री सर की लैंग्वेज में चमक गया। राम सर की लैंग्वेज में हमारे जी सर, वेरी गुड कोमल परिहार, वेरी गुड, यस रोशनी, वेरी गुड, चमक गया। सर हमारा नाम किरणा है। आई गेव द राइट आंसर, वेरी गुड गोकू, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप यहां पे पढ़ सकते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। थैंक यू जेसिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये बायोटेक में भी आता है ये क्वेश्चन, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आता है और सबको आंसर पता होना चाहिए इसका। देखना चाहता हूं कोई है जो अलग आंसर देगा, कोई है क्या जो अलग आंसर देगा? सबने आंसर दिया है ए। यस अच्छा जैसे आपने लिखा है मिथाइलेज इज रॉन्ग। अच्छा तो फिर मुझे ये बता दीजिए, ये जो मिथाइलेज एंजाइम है, चलो मिथाइलेज एज लगाए तो एंजाइम हो गया, जिसी के पीछे एज लगता है वो एंजाइम होता है, राइट? जो मिथाइलेज एंजाइम है वो किस लिए यूज होता है बायोटेक में? बायोटेक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिथाइलेज के ऊपर, क्या है वो कॉन्सेप्ट? सबका आंसर सही है, यहां पे मार्क कर देते हैं पहले एलगे, सबका आंसर सही है। अब ये बताइए मिथाइलेज का क्या रोल है बायोटेक में? जो भी करेक्ट आंसर देगा सबसे पहले उसके लिए क्लैपिंग होगी। वेरी गुड ग्रुप गोकू, मिथाइल ग्रुप लगाने का, वेरी गुड जेबा, बायो के सभी यहां बायो के। अल्लाह व्हाट यू आर राइटिंग, आई आज दिन बायोटेक्नोलॉजी समीहा, वेरी गुड हीत, वेरी गुड हीत। तो सबसे पहले आंसर दिया गोकू ने और सबसे फनी आंसर दिया किसने? समीहा ने। ठीक है तो हम दोनों के लिए क्लैपिंग करेंगे आज, आज हम दोनों के लिए क्लैपिंग करेंगे, समीहा एज वेल एज गोकू। ठीक है, समीहा के लिए इसलिए बिकॉज वो बहुत फनी आंसर था उनका। ठीक है यस, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड जेबा, वेरी गुड। तो अब मिथाइलेज कहाँ होता है? मिथाइलेज एक एंजाइम है जो कि बाइंड करता है किस पे? हमारे बैक्टीरियल डीएनए पे बाइंड करता है, सो दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके वायरल डीएनए को ही कट करके हटाए ताकि बैक्टीरियल डीएनए को ना हटाए। क्लियर बच्चों? सो आंसर क्या है इसका? मिथाइलेज सेल वॉल ऑफ एल्गेज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज पेक्टिन एंड म्यूसिलेज। ठीक है, मिथाइलेज इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम दैट दैट ट्रांसफर्स अ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम अ डोनर टू अ एक्सेप्टर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका, फुर्ती से जवाब देंगे इसका। तो आज तो गोकू हमारी क्लास में छाए हुए हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हैं गोकू। फिर से गोकू का पहला आंसर है, फिर है सेकंड नंबर पे अमृता, फिर है हमारी समीहा जो लास्ट टाइम बायोगैस पे पहुंच गई थी, फिर है हमारी क्या है पायल, देन जेबा, देन सुमन एंड देन जेबा। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू गोकू। डी को लॉक कीजिए सर। यस
डी है इसका आंसर. इन द गिवन फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई वेक्टर पीबीआर 322. पीबीआर 322 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट आइडेंटिफाई इट सर्टेन कॉम्पोनेंट. पहला ओरी का फुल फॉर्म ही गलत लगा, ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रोप रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. हिंड 3 एंड इको R1 इज अ सिलेक्टेबल मार्कर. ओके देन एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. यस करेक्ट. ठीक है, सो आंसर क्या है इसका? डी. तो हिंद 3 एंड इको R1 क्या है? इट्स अ रिकॉग्निशन साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस. और AMR एंड TTR इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. ठीक है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, गुड बच्चों, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए इसका आंसर बच्चों. इस क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा क्विज खेलेंगे हम सब लोग, तो तैयार रहिए अपने फोन को चार्ज करके. छोटा सा क्विज खेलेंगे, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए. सबका आंसर आया है डी. गिवन बिलो इज अ सैंपल ऑफ अ पोर्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड गिविंग द बेस सीक्वेंस ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड. व्हाट इज सो स्पेशल शोन इन इट? ये क्या है इसमें स्पेशल शोन? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेसिक पेयर. यस, इट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ अ बेसिक पेयर. तो करेक्ट आंसर है डी. वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है डी. ठीक है बच्चों, तो क्विज टाइम हो जाए बच्चों, क्विज खेला जाए क्या? क्विज खेला जाए क्या बच्चों? ओके यस, ओके यस. तो चलिए पहला क्वेश्चन क्विज का, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्विज, फुल फॉर्म ऑफ पीबीआर 322. फुल फॉर्म ऑफ पीबीआर 322. पहला क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं बच्चों, फुल फॉर्म ऑफ पीबीआर 322. ऑप्शन सर, ऑप्शन कैसे बताएंगे आपको? लिखना है. वेरी गुड समीहा, आई थिंक सो ये आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया है. वेरी गुड समीहा, वेरी गुड अमृता. नहीं पता तो लिख लीजिए, हीट लिख लीजिए. पीबीआर 322 का फुल फॉर्म प्लाज्मिड बेस्ड बॉलिवर रॉड्रिगेज. 322 क्या है? कोड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर पीबीआर वेक्टर्स. यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट में देंगे. अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट में देंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग अ डीएनए सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू द होस्ट सेल थ्रू अ वेक्टर. कंसिडर द फॉलोइंग फोर एजेंट इन दिस रिगार्ड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट विच वन और मोर ऑफ दीज आर यूज इन वेक्टर. बहुत बच्चों का आंसर आया है डी. वेरी गुड बच्चों, बहुत बच्चों का आंसर आया है डी. तो आंसर है इसका डी. वेरी गुड, यस. प्लाज्मिड होगा वेक्टर एंड बैक्टीरियोफाज होता है वेक्टर. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. ठीक है, प्लाज्मिड होगा वेक्टर एंड बैक्टीरियोफाज होगा वेक्टर. एक और क्विज का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्विज क्वेश्चन, नेक्स्ट क्विज क्वेश्चन क्या है वो क्विज क्वेश्चन? मैं यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं, यहां पे साइड पे मैं क्विज क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको शायद दिख जाएगा. PUC7 क्या है? PUC7 क्या है बच्चों? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PUC7?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PUC7? फटाफट से आंसर दीजिए। प्लाज्मिड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यस, ये प्लाज्मिड बेस्ड है और ये कहां डिस्कवर हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तभी हमने इसका क्या शॉर्ट फॉर्म लिखा है? PUC। यस, वेरी गुड। ठीक है, PUC, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, अब ये बताइए कॉस्मिड क्या होता है? व्हाट इज कॉस्मिड? कॉस्मिड क्या होता है? नहीं हीट, आंसर गलत है, TDNA नहीं है। TDNA तो बेटा ट्रांसफर DNA हो गया ना। आई डोंट नो। गोकू ने लिखा है कॉज साइट ऑफ बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड। यस, कॉस्मिड क्या होता है? देखो कॉस्मिड लिखते हैं ऐसे, COSMID। आप हिंदी में एक पढ़ते हो संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या करते हैं? हम दो वर्ड्स को अलग अलग कर देते। तो यहां पे कॉज वर्ड एंड मिड वर्ड को हमने अलग कर दिया। यस, कॉस्मिड क्या होता है? कॉज साइट ऑफ बैक्टीरियोफाज। अब कॉज साइट क्या होता है? व्हाट इज दिस कॉज साइट मींस? अब देखो जो बैक्टीरियोफाज होता है उसमें क्या होता है? कहां है कर्सर हमारा? ये रहा कर्सर, लाल कलर ले लेते हैं हम फटाफट से। अब जो हमारा बैक्टीरियोफाज होता है, ये हो गया उसका DNA। उसके DNA में 5' एंड और 3' एंड में बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री बेस पेयर्स। दे हैव अनपेयर्ड फ्री बेस पेयर्स। नहीं बेटा, TDNA का तो फंक्शन ही नहीं है ना इसमें कहीं पे भी, इस चैप्टर में कहीं TDNA का काम ही नहीं है। तो अभी समझ लो सब लोग, बच्चों इधर ध्यान दो, हीट इधर ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस साइट क्या होता है? कॉस्मिड, कॉस्मिड जो लिखा है मैंने, इसमें कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस हो गया ये सीक्वेंस जो देख रहे हो, अनपेयर्ड है ये सीक्वेंस, अनपेयर्ड है ये सीक्वेंस, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड बेसिस, अनपेयर्ड बेसिस को हम क्या बुलाते हैं? कॉस साइट्स। ठीक है, अनपेयर्ड बेसिस को हम क्या बुलाते हैं? कॉस साइट्स। क्लियर, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। राम राम प्रदीप। जेसिका वेट, ओनली 5-10 मिनट्स क्लास इज लेफ्ट। फिर मैं एक होमवर्क भी दूंगा सारे बच्चों को, सब बच्चों को एक होमवर्क भी दूंगा। यस, कॉस साइट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तभी वो सर्कुलर बनते हैं, वो आपस में ही ज्वाइन कर जाएंगे। ये आके ऐसे घूम के खुद ज्वाइन कर जाएगा। ये खुद ऐसे गोल घूम के खुद ज्वाइन कर जाएगा सो दैट ये सर्कुलर बन सके। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following bacteria has found extensive use in genetic engineering work in plant? बहुत easy question है, बहुत easy question है। Answer है इसका Agrobacterium tumefaciens। Agrobacterium tumefaciens, तो ये natural होता है, ठीक है, it is natural। इसके अंदर क्या होता है? It has TI plasmid, tumor inducing plasmid। ठीक है, Agrobacterium tumefaciens has been extensively used in genetic engineering experiment. It is the causative agent. ये क्या कॉज करता है बच्चों? क्रॉन गॉल डिजीज कॉज करता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट डिजीज फॉर मेनी कमर्शियल क्रॉप्स। दिस डिजीज हैज कम टू रिकॉग्नाइज्ड इन रीसेंट ईयर, इज बीन कैरीड बाय DNA प्लाज्मिड, दैट इज TI प्लाज्मिड। क्लियर, क्लियर हो गया? यस, सभी सही है। क्लियर बच्चों? सो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एक छोटा सा सेक्शन था, क्लियर हो गया बच्चों? आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अभी बाय नहीं, अभी एक होमवर्क है, आज का एक होमवर्क है। पहला होम चीज क्या करेंगे? पहला चीज क्या करेंगे? सब कुछ लिखेंगे, उसके टेबल बनाएंगे। आप लोग सारे के सारे लोग क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे, सारे के सारे लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? इस क्लास कहां, इस आपको मुझे
प्लांट एंड एनिमल वेक्टर्स लिख के भेजने हैं, प्लांट एंड एनिमल वेक्टर्स लिख के भेजने हैं कहां पे? यूट्यूब पे, ठीक है? प्लांट एंड एनिमल वेक्टर्स आपको लिख के भेजने हैं। विच टेबल सर? जो बेटा एकदम शुरुआत शुरुआत में बताई थी, ठीक है बच्चों? चलो थैंक यू बच्चों, बाय बाय बच्चों, ख्याल रखना, सेफ रहना, घर पे रहना, क्लियर? सब लोग घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय, कल मिलते हैं, ठीक है बच्चों, बाय, ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। नए बच्चों के लिए है क्या, आपको इंस्टा सॉल्व को लाइक सब्सक्राइब करना है।